मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गृहम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मैं डॉक्टर छगनलाल माहौलिया, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम स्नातक भाग प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में विसर्ग संधि की निरंतरता में रूप सिद्धि करेंगे। भू देवा भगो नमस्ते अघो याही। पिछली कक्षा में इनको हमने हिंदी में समझा, अब हम संस्कृत में करने की कोशिश करेंगे। लिए भो भो देवा भो देवा भोस देवा इत्यवस्थायां सज्जु सोरु इति सूत्रेण सकारस्य रुत्वे सकारस्य स्थाने रुत्वे उपदेशे जनुनासिक इत इति सूत्रेण इत संज्ञायां उकारस्य इत संज्ञायां तस्य लोप इति सूत्रेण लोपे भू रे जमा देवः इति जाते भो भगो अवो अपूर्वस्य योसि इति सूत्रेण रु इत्यस्य स्थाने यकारे भो य देवाः इति जाते हलि सर्वेषां इति सूत्रेण यकारस्य लोपे भो देवा इति रूपं सिद्धम्। यहाँ पर रू का यदि अनुबंध लोप नहीं करेंगे तो भी कोई हानि नहीं होगी। भो देवाः के बाद है अगली रूप सिद्धि है भगो नमस्ते भगोस जमा नमस्ते इत्यवस्थायां सज्जु सोरु इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने रुकारे भगो रु नमस्ते इति जाते भो भगो अगो अपूर्वस्य योसि इति सूत्रेण रूकारस्य स्थाने यकारे भ गो य जमा नमस्ते इति जाते हलि सर्वेषाम इति सूत्रेण यकारस्य लोपे संयोगे भगो नमस्ते इति रूपम सिद्धम्। अगली रूप सिद्धि है अघो याही अघोस जमा याही इत्यवस्थायां सज्जु सोरु इति सूत्रेण सकारस्य स्थाने रुकारे अघो रु जमा याहि इति जाते भो भगो अघो अपूर्वस्य योसि इति सूत्रेण रुकारस्य स्थाने यकारे अघो य जमा याहि इति जाते हलि सर्वेषां इति सूत्रेण यकारस्य लोपे सम्मेलने अघो याहि इति रूपम सिद्धम्। इन रूप सिद्धियों के पश्चात पाठ्यपुस्तक में अगला सूत्र है रो असुपी। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं रो सुपी जो सूत्र है पाणिनि के अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय के द्वितीय पाद का एक सप्तति 69वां सूत्र एकोन सप्तति
69 पाणिनि के अष्टाध्याय के आठवें अध्याय के द्वितीय पाद का 69वां सूत्र। रो अशुपी अन्न अहन्नो रेफादेशस्यां तु सुपी अहरह अहरगण। ये रूप सिद्धि और ये सूत्र दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूत्र में अहन सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है और इसलिए सूत्र का पूर्ण अर्थ हुआ अहन के नकार को रकार आदेश होता है सुप परे होने पर, सुप परे होने पर नहीं होता। यानी कि अहन के नकार को रकार आदेश होगा किंतु अशुपी सुप परे होने पर, सुपादि विभक्ति परे होने पर रकार आदेश नहीं होगा रोसुपी। इसमें दृष्टांत है अहरह अहरगणः, दो रूप हैं और दोनों रूप सिद्धियां अलग अलग करेंगे। अहरह अहरह का छंदी विषय हुआ अहन जमा अह। इस अवस्था में रो सूपी सूत्र द्वारा नकार को रकार हो गया तो अह र जमा अह और संयोग हो करके अहरह रूप बन गया। वैसे ही अहर गण अहन जमा गण इस अवस्था में रो सूपी सूत्र द्वारा अहन के नकार को रकार हो गया तो अह र गण और जलतुंबी का न्यायेन रिपस्य ऊर्ध्वगमनम्। जलतुंबी न्याय द्वारा रकार जो अर्ध रकार है ऊपर चला गया और संयोग होकर के अहर गण रूप सिद्ध हो गया। अब आप दोनों अहर और अहरगण दोनों रूप सिद्धियों को आप संस्कृत में कीजिए। सबसे पहले अहरह अहन जमा अह इत्यवस्थायां रो सूपी इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने रकारे अहर जमा अह इति जाते अजहीनम परेण संयोज्यम इति नियमात् संयोगे अहर इति रूपम सिद्धम। अगली रूप सिद्धि है अहर गण अहन जमा गण इत्यवस्थायां रो सूपी इति सूत्रेण नकारस्य स्थाने रकारे अह र जमा गण इति जाते अत्र जलतुंबी का न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम्। जलतुंबी का न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम् इति न्यायेन रका रेफा ऊर्ध्वगतः संयोगे अहरगणः इति रूपं सिद्धम्। अगला सूत्र है हमारे पास रूरी। रूरी जो सूत्र है, रूरी सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। रूरी सूत्र महा पाणिनि के अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय के तृतीय पाद का 14वां सूत्र है। रूरी रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्। रेफ का लोप होता है रेफ परे होने पर, रकार का लोप होता है रकार परे होने पर। रोरी रोरी के बाद अगला सूत्र है ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा
इस सूत्र को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अस्तु।